ये उपाय करने पड़ेंगे, पशु की देखभाल करनी पड़ेगी, अच्छे डॉक्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। नमस्कार पशुपालक साथियों, साथियों आपके अपने YouTube चैनल रावत मुर्रा डेयरी फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है जो पशु हम अपने पशु को गर्भधारण कैसे करवाएं, पशु हमारा बोल रहा है तो उसको किस तरीके से गर्भधारण करवाना चाहिए, किस किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो आज इसके बारे में बात करेंगे और वीडियो को रूबरू करेंगे। तो चलिए साथियों वीडियो शुरू करते हैं। जो भाई हमारे नए चैनल पर जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को साथ के साथ हर कोई भाई शेयर भी करता रहे जिससे कि किसी और भाई को भी ये फायदा पहुंच सके। तो चलिए साथियों वीडियो शुरू करते हैं। साथियों आपका पशु जब हीट में आता है तो कई बार पशु रिपीटर भी हो जाता है, हर 21वें दिन हीट में आने लगता है। उसमें कुछ हमारी जानकारी ना होने के कारण कुछ परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है जो कि वो बार बार हीट में आती है। तो उससे बचने के लिए हमें कई बार तो हम अच्छा डॉक्टर का प्रयोग भी नहीं कर पाते, उससे भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हम अपने पशु का जो ख्याल है, जो रखरखाव है, जो देखना है वो नहीं कर पाते, तो उस वजह से भी हमें प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। तो आज उसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। जब भी आपका पशु हीट में आए, आने के बाद तार दिखाना चालू कर दे, तार दिखाने के तीसरे दिन आप पशु को गर्भधारण जरूर से जरूर करवाएं। पशु को गर्भधारण करवाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप अच्छे डॉक्टर को अपने पास बुलाएं, जो आपके फील्ड का अच्छा डॉक्टर हो उसके से आप अपने पशु को गर्भधारण करवाएं। उससे के उसको भी देखना चाहिए कि जो वो सीमन लगा रहे हैं तो उसकी आप तो देख नहीं सकते कि उसकी कितनी उसमें क्षमता है, कितने उसमें शुक्राणु हैं, तो उसमें डॉक्टर को का भी ये फर्ज बनता है कि उसमें अच्छे शुक्राणुओं का ही सीमन लगाएं। कई बार मैंने देखा है डॉक्टरों के सीमन के जो कंटेनर होता है उसमें गैस नहीं होती है, गैस खत्म हो जाती है, वो फिर भी उन्हीं सीमनों को रख के घूमते हैं, उस वजह से भी हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसमें हम अच्छे डॉक्टर का प्रयोग करें या अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर के जाएं। नज़दीकी हॉस्पिटल में, हमेशा सीमन HLDB के होते हैं, हरियाणा में HLDB के हैं जैसे, तो आप HLDB का ही सीमन ज़्यादा रखवाएं। तो साथियों एक और मैं बताऊंगा, डॉक्टरों की उंगली में ही मेरे डॉक्टर भाई हैं, बुरा नहीं माने, थोड़ी गलती है तो वो बताई जाएगी, उंगली में ही टेम्परेचर लगा हुआ होता है जो कि कभी भी वो टेम्परेचर यूज नहीं करते। ये टेम्परेचर अलग से होता है, ये पानी थाइन करने का होता है जिससे 35 से 37 डिग्री के बीच का पानी हम थाइन करते हैं, तो वो उंगली से ही देख लेते हैं, उसमें भी सीमन डेड होने का खतरा होता है। तो ऐसा ना करें, अपना जो डॉक्टर हो उस पर पहले पानी चेक करवाएं, चेक करवाने के बाद उसमें सीमन डालें। सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊंगा कि हमें सीमन रखवाते हैं, हमें ये नहीं पता हम कौन से बुल का सीमन रखवा रहे हैं, इसके जो हमारा बच्चा आने वाला है उसका बाप क्या है, उसका रिकॉर्ड क्या है, उसका पूरा रिकॉर्ड। तो आप आने वाला जो समय है वो बहुत महंगाई का समय है, इसमें आप अच्छे बुल का प्रयोग करें। आप उसमें सेटरा पे देखें कि ये कौन सा बुल है, इसके क्या रिकॉर्ड है, इसकी क्या पेडिग्री है, तो आपको उससे उसका अंदाजा रहेगा कि इसकी माँ आपके पास है तो इसका बाप वो है, इतने नंबर का है, इतना नाम का है, ये है वो। तो साथियों इसमें आपको एक और मैं बात बताऊंगा कि आप जब भी तार दे तीसरे दिन आप करवाओ, उसके बाद हम क्या करते हैं, सीमन लगवाने के बाद डॉक्टर पे एक बार सीमन लगवा लिया उसके बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम कोई भी उसको एक बार सीमन लगवा लिया तो उसके बाद ये है कि भाई सीमन लगवा लिया और कोई नहीं, उसके बाद वो 21 दिन बाद देखते हैं फिर रिपीट कर जाती है, तो बोलते हैं भाई पशु रिपीट कर रहा है। कुछ पशु की भी नहीं, कुछ आपकी भी गड़बड़ है, आप उसका ख्याल नहीं रख पाते। मैं आपको बताऊं तीसरे दिन आप सीमन लगवाते हैं जैसे ही, उसके बाद उसका ध्यान रखो कि वो दोबारा जीरी तो नहीं दिखा रही है। सबसे आसान प्रोसीजर है कि आप सुबह के टाइम
अपने पशु को जब खाना पीना खिला करके दूध वूध निकाल करके उसको अलग बांधते हैं और वो बैठता है। बैठने के बाद तुरंत वो एक घंटे के अंदर तार दिखाएगा, तो वो दोबारा आपने उसमें सीमन लगवा दिया फिर भी वो तार दिखा रहा है, तो उसका आप दोबारा से सीमन जरूर लगवाएं। आपकी रिपीटिंग की समस्या है वो 90% कम हो जाएगी। कई बार पशु हमारा सही तांते ही डाल रहा है, सही वो हो रहा है तो, और वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। मैंने देखा है फील्ड में आज और कल दो दिन हम सीमन लगाते हैं तो उसका रिजल्ट 90% मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि पशु साथियों बहुत महंगा है और पशु एक बार कंसीव नहीं करता है, वो जो बार बार जो हीट में आता है, बार बार जो दिक्कत होती है, तो उससे हमें बहुत घाटे का सामना करना पड़ता है। घाटे से बचने के लिए हमें ये उपाय करने पड़ेंगे, पशु की देखभाल करनी पड़ेगी, अच्छे डॉक्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, राम राम जी।